हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एटीट्यूड। माय नेम इज़ गायत्री। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी 2005 के बारे में, जो कि आपके टीचिंग एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्पेशली आपका सीटेट के एग्ज़ाम में जो आपके 50% जो है पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं 75 मार्क्स के, वो क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक पर वेस्ट होते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप उन क्वेश्चंस के साथ अच्छे से डील कर पाएंगे, तो आप अपनी पैडागोजी स्किल्स जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि टीचिंग से जुड़ी ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। देखिए, एनसीईआरटी 2005 फुल फॉर्म है इसकी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। हिंदी में इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कहते हैं। देखिए, बात करें हम एनसीईआरटी की, तो टोटल 4 एनसीईआरटी जो है कंडक्ट करवाए जा चुके हैं एनसीईआरटी के द्वारा, ठीक है। इससे पहले 3 एनसीईआरटी 1975, 1988 एंड 2000 जो है आ चुके हैं। 2005 है वो, 2000 में कुछ चेंजेस करके, इसका संशोधन करके 2005 एनसीईआरटी का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब तो चलिए जान लेते हैं एनसीईआरटी 2005 आखिर है क्या, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाए जाने वाले विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बेसिकली जो 2005 है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बच्चों को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, कैसी टेक्निक्स का यूज़ करके पढ़ाना है, इन सब जो है विषयों पर एनसीईआरटी में चर्चा की गई है, या इन सब विषयों पर एनसीईआरटी में लिखा गया है, ठीक है। देखिए, आगे यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एनसीईआरटी बना तो है बट ये आया कहाँ से है। तो ये आया कहाँ से है, रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से, ठीक है। याद रखना, सभ्यता और प्रगति से इसका जो है, सभ्यता और प्रगति से इसकी जो है उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसमें जो है गुरु हमें याद दिलाते हैं कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है। तो स्टेटमेंट याद रख लेना, एग्जाम में पूछ ली जाती है स्टेटमेंट, किसने दिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से, और इन्होंने कहा है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है, ठीक है। देखिए आगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा सचिव ने परिषद के निदेशक को पत्र द्वारा 1993 में, याद रख लेना, ये जो है 1993 में आया था, और इसका जो आधार था वो शिक्षा बिना बोझ के था। जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, प्रोफेसर यश पाल, ठीक है। उनकी अध्यक्षता में इसका समिति का संचालन किया गया था और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन जो है इसमें किया गया था। तो ये नाम याद रख लेना, प्रोफेसर यश पाल, इन्होंने जो है शिक्षा बिना बोझ के समिति का गठन किया था और उनके जो है ये अध्यक्ष थे, ठीक है, जिस पर एनसीईआरटी बेस्ड है। देखिए आगे देखेंगे, एनसीईआरटी 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में किया गया है। टोटल जो है 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं में किया गया है एनसीईआरटी का अनुवाद, ठीक है। चाहे वो आपकी हिंदी भाषा हो, मराठी, तमिल, जितनी भी टोटल लैंग्वेजेस हैं उन सभी भाषाओं में एनसीईआरटी लिखा गया है, और ये विद्यालय का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है, ठीक है। अब देखिए, एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस जो है यहीं से बनते हैं कि एनसीईआरटी के जो 5 सिद्धांत हैं, महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स है। देखिए, इन 5 सिद्धांतों को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इन 5
सिद्धांतों में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। इनमें से अगर कोई भी सिद्धांत आपको ऑप्शन में नज़र आ जाता है तो आपको उसको जो है ठीक कर देना है, ठीक है। तो देखिए, समझते हैं इन पांच सिद्धांतों को। देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। बेसिकली जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज़ होना चाहिए, ना कि ऐसा ना हो कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ ही ना हो, बच्चा उससे इंटरेक्ट ही ना कर पाए, तो फिर जो है नॉलेज इस लर्निंग का क्या फ़ायदा। जो है लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जिस जो प्रैक्टिकल हो, जो भी हम बच्चे को क्रियाकलाप करवा रहे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हो, बच्चा उनसे इंटरेक्ट कर सकता है, समाज के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो ऐसी जो है एक्टिविटीज़ को हमें जो है अपने पाठ्यचर्या में जोड़नी चाहिए, ये जो है NCF कहता है। देखिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, पढ़ाई रटने की प्राणी से मुक्त हो ये सुनिश्चित करना। रटन प्राणी को जो है मुक्त करवाना है, बेसिकली प्राइमरी लेवल में जहाँ पर जो है रट कर बच्चों को सिखाया जाता है। तो यहाँ पर जब भी कोई वर्ड आ जाए आपके क्वेश्चंस में, ठीक है, जब भी ऑप्शंस में आपको ये रटन वर्ड आ जाए तो आपको जो है इसको हमेशा क्या है गलत कर देना है, याद रखना, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर ना रह जाए। जी हाँ, पाठ्यचर्या जो करिकुलम हो वो टेक्स्ट बुक केंद्रित ना हो, ठीक है। कैसी हो शिक्षा जो है वो बालक केंद्रित हो, ठीक है, जो उसमें एक्टिविटीज़ हो वो बालक को ध्यान में रखकर की गई हो, बालक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो, ना कि जो है अध्यापक केंद्रित हो और ना ही पाठ्यपुस्तक केंद्रित हो, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल क्या कहता है, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना। बेसिकली जो परीक्षाएं होती हैं बोर्ड परीक्षा, उनको उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाना, उन्हें समय के अनुसार उनमें चेंजेस करना एंड कक्षा की गतिविधियों से उनको जोड़ना जो है। यहाँ पर ऐड कर लेंगे ये कक्षा की विभिन्न, देखिए कक्षा की विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना, ये तो जब भी बात आ जाए कि विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना या विभिन्न माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, तो हमेशा आपका जो है ऑप्शन जो है हमेशा आपका सही होगा और आपको सही करके आना है, ठीक है, जब भी यहाँ पर विभिन्न गतिविधियों की बात आ जाए, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम्स में आया है, स्पेशली आपके लैंग्वेज में, चाहे वो आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो या संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो आपका ये क्वेश्चन जो है बनता ही है विभिन्न गतिविधियों से जो है बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। देखिए, फिफ्थ प्रिंसिपल क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल करना, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातंत्री राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। सो आई होप ये पांचों सिद्धांत आप अच्छे से समझ गए होंगे, इन्हें आपको याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं हम NCF 2005 का निर्माण NCERT द्वारा किया गया था, मैंने आपको बता दिया पहले, और इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया, ठीक है। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है, आत्मज्ञान, विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभव देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके कि इसका जो NCERT का मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। बच्चों बच्चा जो होता है वो स्वयं एक्सपीरियंस से अपने एक खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, अपने ज्ञान का निर्माण वह स्वयं कर सकता है। जो टीचर होता है वो एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है, टीचर जो है सुविधादाता के रूप में बच्चे की हेल्प करता है और बच्चे जो है स्वयं ही अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं।
आपने देखा होगा कि बच्चे को कोई खिलौना दे दो तो वो क्या करेगा, उसे तोड़ तोड़ के देखेगा। उसमें जो है एक क्यूरियोसिटी रहती है, जिज्ञासा रहती है जानने की कि इसके अंदर है क्या, तो वो तोड़ तोड़ के क्या करता है, उसे देखता है और वो स्वयं जो है अपने ज्ञान का निर्माण करता है कि अच्छा ऐसे है, और फिर तोड़ने के बाद खुद स्वयं उसे जो है जोड़ने की कोशिश भी करता है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में कई कई बार पूछे गए हैं, तो इनको ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। देखिए एक बार समझ लेते हैं इन सभी पॉइंट्स को, जिससे आपकी जो पैडागोजी स्किल्स और अच्छे से जो है कवर हो जाएगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट दे रखा है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। देखिए इन्फॉर्मेशन एक अलग चीज़ होती है एंड नॉलेज एक अलग चीज़ होती है, तो हमें जो है इन्फॉर्मेशन को ज्ञान जो है नॉलेज नहीं मानना है, ये NCF कहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षण सूत्र की और जैसे ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिक से अधिक जो है प्रयोग करना चाहिए। देखिए स्पेशली प्राइमरी लेवल के बच्चे, जो कि प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, और उन्हें जो है वो जो चीज़ों को देख करके या जो उन्हें पहले से पता होती है उनका यूज़ करके ही हमें उन्हें जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम उन्हें पेड़ों के बारे में समझा रहे हैं, तो हम जो है उन्हें गार्डन में ले जाके दिखा सकते हैं, या चार्ट के माध्यम से, या एनिमल्स के बारे में हम उन्हें पढ़ा रहे हैं कि देखो शेर ऐसा होता है, पेड़ ऐसा, तो चार्ट के माध्यम से या पिक्चर्स के थ्रू हम उन्हें दिखा करके जो है पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें जो है मूर्त से अमूर्त या ज्ञात से अज्ञात किसी भी आप सूत्र का यूज़ करके इनको ही अपनी जो है शिक्षण में यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम जो है मातृभाषा होना चाहिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि जो प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा होना चाहिए। देखिए मातृभाषा एक संसाधन के रूप में, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक मिनट, देखिए मातृभाषा एक संसाधन के रूप में यहाँ पर यूज होती है, ना कि एक समस्या है। ठीक है, तो इससे जो है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी गई है, महत्वपूर्ण मानी गई है। ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है आप समझ जाना, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट मानी गई है और एक संसाधन के रूप में मानी गई है, ना कि एक समस्या के रूप में। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देखिए जो वैल्यूज होते हैं वो बच्चों को लेक्चर के द्वारा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उन्हें वातावरण देकर स्थापित किया जाए। नहीं, अगर आप उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा देंगे तो वो स्वयं जो है चीज़ों को बड़ी आसानी से ही इफ़ेक्टिव तरीके से बच्चे सीख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षक प्राणी की असफलता का प्रतीक है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखना। देखिए कोई भी प्रकार की आपकी सजा हो, पनिशमेंट हो, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली, आपको किसी भी प्रकार की पनिशमेंट से देने से जो है बचना है, बच्चों को देनी बिल्कुल भी नहीं देनी है। ठीक है, पनिशमेंट और पुरस्कार जो है रिवॉर्ड आपको बच्चों को सीमित रूप से देना है, ना कि बार बार, जैसे कुछ महत्वपूर्ण उन्हें उपलब्धि पर ही जो है रिवॉर्ड जो है आप दे सकते हैं। अगर आपको उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनली मोटिवेटेड करना है, ना कि बाहर जो है बाहरी मोटिवेशन देना है उनको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपको यही पुस्तक पढ़नी है, या बच्चे का जो मन करेगा वो पुस्तक जो है वो उन्हें स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए आप जैसे मान लीजिए इंडिपेंडेंस डे पर या गणतंत्र दिवस पर आप जैसे
स्कूल्स में प्रोग्राम्स होते हैं तो आप जो है बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं। तो मान लीजिए आपको एज आ जो इंटरटेनमेंट के रूप में ना देखकर सौंदर्य बोध उनमें जो है बच्चों को वैल्यूज़ देनी है कि जो है भारत आज़ाद, देखिए भारत जो है कैसे आज़ाद हुआ था और किन किन जो है महत्वपूर्ण लोगों का योगदान रहा था, ऐसी वैल्यूज़ को आपको बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करना एवं बालक के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या का निर्धारण किया जाना चाहिए जिससे बालक का जो है सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, और मानसिक स्तर पर ऐसा नहीं हो कि बच्चे का मानसिक लेवल जो है बहुत कम है और आपने जो है हार्ड लेवल का उसके उसके पाठ्यक्रम में जो है हार्ड लेवल प्रोवाइड करा दिया, तो ऐसे में क्या होगा बच्चा जो है ठीक से जो है परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण तैयार करना, समावेशी शिक्षा के जहाँ पर आ जाए, देखिए वातावरण जहाँ पर आ जाए वो तो आपको ठीक करना ही करना है, और जहाँ पर समावेशी वातावरण की बात आ जाए तो आपको आँख बंद करके जो है उस ऑप्शन को ठीक कर देना है। समावेशी शिक्षा मैंने आपको बता रखी है जहाँ पर जो है सभी प्रकार के बच्चों को जो है बिना किसी। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के द्वारा मौलिक विचार शिक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। देखिए किसी भी बात को तर्कपूर्ण रीजन के थ्रू अपने विचारों को व्यक्त करना ही जो है एक एक अच्छा विद्यार्थी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता फैसिलिटेटर के रूप में होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, आपका बहुत बार एग्ज़ाम्स में KVS एग्ज़ाम हो गया, DS+B में भी पूछा जा चुका है कि शिक्षक की भूमिका कैसे होनी चाहिए, सुविधादाता एक फैसिलिटेटर के रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट, NCF 2005 करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है, ये बाल केंद्रित जो है शिक्षा बाल केंद्रित पर जो है आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए, ये आपसे ही रिलेटेड है, भविष्य में आप टीचर्स बनते हैं तो आप पे जो है इनोवेशन जो है सरकार द्वारा टाइम पर पहुंचाए जाने चाहिए। ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार परिवार का एक बच्चे पर जिम्मेदारी होती है उसी प्रकार जो है समुदाय भी जो है बच्चे के व्यक्तित्व पर असर डालता है, इसलिए जो सोशल एक्टिविटीज़ है वो एक मानवीय संसाधन के रूप में जो है प्रयुक्त होने का बच्चों को अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट है शांति शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण का विकास करने का कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए कि जो वुमेन्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं उनके प्रति आदर हो, और शांति शिक्षा को जो है NCF बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है NCF 2005 बिना बोझ के शिक्षा पर बल देता है, इम्पोर्टेंट है, बहुत बारे आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि NCF 2005 जो है किस शिक्षा पर बोझ देता है, ये आपका बिना बोझ के शिक्षा पर जो है जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। जी हाँ, देखिए जो टीचर्स की जिम्मेदारी वो स्कूल टाइमिंग तक होती है, उसके बाद जो है पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की, तो जो है जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें बच्चों के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, ऐसे में बच्चे भी मोटिवेट होंगे कि हमारे जो है पेरेंट्स हमें जो है कुछ सिखा रहे हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, जैसे मैंने कहा है कि टीचर्स जो है स्कूल तक ही सीमित रहते हैं, उसके बाद जो है समाज का और अभिभावकों का कर्तव्य बनता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को जो है बाहर जीवन से एक तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है कि जो विद्यार्थी होते हैं सभी विद्यार्थियों में अपनी क्षमता व
स्किल्स होती हैं, कौशल होते हैं उनमें, और हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए, उन्हें अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए, जिसके द्वारा टीचर्स के द्वारा एक फैसिलिटेटर के रूप में, ठीक है, उन्हें इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए, और वह स्वयं ही जो है जो उनमें छुपी आंतरिक जो स्किल्स हैं, क्षमता है, उन्हें बाहर निकालना ही एक जो है टीचर्स का काम होता है। देखिए, भाषा लैंग्वेज के बारे में एनसी अब जो है क्या दृष्टिकोण रखता है इसके बारे में जानेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर तक के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, इवन केवीएस डीएस प्लस बी में भी आपके जो है यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है, कई कई बार जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो एक बार समझ लेते हैं इसके सभी पॉइंट्स को। देखिए, त्रिभाषा फॉर्मूला को पुनः लागू किया जाना, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो है आपका, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज जो है रीजनल लैंग्वेज, कोई भी क्षेत्रीय भाषा, सेकंड आपकी मातृभाषा जो है हिंदी के रूप में, थर्ड आपकी जो है फॉरेन लैंग्वेज जो है आपकी इंग्लिश के रूप में, यहाँ पर उन तीनों को जो है मान्यता दी गई है, ठीक है। घरेलू भाषा एवं मातृभाषा को शिक्षण का माध्यम के रूप में मान्यता दी गई है, और अंग्रेजी को अन्य भारतीय भाषाओं के बीच जो है स्थान दिया जाना आवश्यक है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। भारतीय समाज की बहुभाषिता मल्टीलिंगुअल को स्कूल के जीवन की समृद्धि और संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ना कि एक समस्या के रूप में, ठीक है। जो है कक्षा में अगर बच्चे जो है मल्टीपल लैंग्वेज क्षेत्र से आते हैं, तो वो एक दूसरे की भाषा से हैं और भी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट के अलग अलग भाषाओं को जो है एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, एनसीएफ का गणित के बारे में क्या कहना है, गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य जो है गणित की किरण तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्त का निर्माण तथा संचालित करने की योग्यता से है। गणित शिक्षण ऐसा शिक्षण होना चाहिए जो बच्चे की प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड हो, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज़ हो, ताकि बच्चे जो है अमूर्त तरीके से सोच सकें, और तार्किकता का निर्माण हो, उनमें तर्क करने की क्षमता का विकास हो, ठीक है। मान लीजिए आप पढ़ा कुछ और रहे हैं और बच्चे जो है उस लाइफ से कुछ भी कनेक्ट नहीं है, तो ऐसे में जो है लर्निंग का जो है सीखने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे बच्चे जो है उसे अपनी जो है ज़िंदगी से कनेक्ट कर सके, ज़िंदगी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स को जो है दूर कर सके, सॉल्व कर सके, ऐसी जो है हमें गणित शिक्षण में जो है ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए, और गणित की बेहतर शिक्षा का हर एक बच्चे को है, ठीक है, ऐसा एनसीएफ में कहा गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी टीचिंग से जुड़ी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।